गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। जो एक चर वाले रैखिक समीकरण हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली थी, उसकी 2.1 हमने कल कंप्लीट की थी। आज शुरू करेंगे 2.2। यदि आपका कोई साथी या कोई परिचित यदि पीछे रह गया है, तो जो चैनल को है ना, चैनल का नाम बता दीजिएगा, उसको सब्सक्राइब करके वो वीडियो में जाके पिछले वाली वीडियो देख सकता है। तो 2.2 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2.2 का अपना जो पहला प्रश्न है वो पढ़ते हैं। देखो 2.2 का ये पहला प्रश्न है, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम में 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखो आंसर, तो हमारा जो प्रश्न नंबर रहेगा उसका आंसर देखते हैं कि यदि किसी संख्या से 1/2 घटाना। देखो सबसे पहले संख्या मान लो, माना वह संख्या एक्स है, यानी सबसे पहले एक संख्या मानते हैं कि वह संख्या कौन सी है, एक्स। तो किसी संख्या में से क्या घटाना है, 1/2। तो एक्स में से क्या घटा दिया, 1/2, ये घटा दिया एक्स में से 1/2। और उसके परिणाम यानी जो परिणाम आएगा उसमें उसको क्या करना है, 1/2 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1/8। ये मान लीजिए एक्स में से 1/2 घटा दिया और जो आता है या मिलेगा उसको किससे गुणा करेंगे, 1/2 से, और हमें क्या मिलेगा, 1/8। ये संख्या देख लो। अब उसके बाद देखो इसमें से इसको घटाओ, एक्स में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 2, यह आएगा 2x-a1। भिन्नों की जो जोड़ बाकी सीखे होंगे ना, तो आप लोग इसको हल कर दोगे, वरना नहीं सीख पाओगे, तो वो वीडियो देख के आप भिन्नों की जोड़ बाकी सीख सकते हैं। तो 1/2 गुणांक कर दिया, उसके बाद में 1/8। अब देखो इसको ध्यान से देखो, 1/2 इसको गुणा करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, मैं गुणा कर रहा हूँ इसको, 2x-1 को 1 से गुणा किया तो ये आएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आएगा, बराबर 1/8। अब ध्यान से देखो ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, इधर से तो इसकी कहानी खत्म। अब उधर देखो क्या बचा हमारे पास, 2x-1 नीचे 1 बचा और उधर 1/2 बचा। अब कल हमने क्या सीखा था, वज्र गुणा करना यानी क्रॉस गुणा करना, इसको इससे क्रॉस गुणा करना सीखा था। तो देखो मैं गुणा करता हूँ इसको, 2x-1 को किससे गुणा करूँगा, 2 से, और बराबर क्या हमारे पास, 1। इसको गुणा कर दूँ मैं, ये आएगा 4x-2 = 1। अब देखो वही आ गया समीकरण, एक चर वाला देखिए एक समीकरण कल के जैसे प्राप्त हुआ, 4x को तो ऐसे के ऐसे, जब -2 को इधर भेजा तो ये हो जाएगा +2। ये लो अब 1 और 2 कितने हो गए, 3, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, 4x = 3। तो x बराबर, अब देखो ऐसे भी समीकरण हमने हल किए थे कल कि x की गुणा में हो तो मान निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, भाग दे देते हैं 3/4। ये अपना आ गया आंसर। यदि 3/4 में से 1/2 घटाएंगे और उसमें उसको गुणा कर देंगे किससे, 1/2 से, तो क्या आएगा अपने पास, 1/8, मान आएगा 3/4। ये अपना पहला सवाल पूरा। प्रश्न नंबर 2 हमारा, एक आयताकार तरल ताल, यानी तरल ताल क्या होता है, मतलब तैरने का जिसे स्विमिंग पूल बोलते हैं, ऐसा वाला आयताकार। तो हमारा जो आंसर दो, यहाँ पे मैं सोल्यूशन करूँगा इसका, क्या दे रखा है, एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। अब देखो मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, अच्छा मैं चौड़ाई मानता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई एक्स मान लिया, और इसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, अब देखो क्या दे रखा है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो इसका देखो आयताकार, आयताकार कुछ भी चीज़ होती है, यानी आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं हम, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता हमारा किसका, परिमाप का, मैं इधर लिख देता हूँ परिमाप, ये सूत्र होता है किसका, आयताकार जो परिमाप होता है ना उसका सूत्र। तो यहाँ पे देखो 2 तो गुणा में है, 2 को तो गुणा में रखना है, ये लो उसकी लंबाई कितनी है,
उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा, तो उसकी चौड़ाई कितनी मानी हमने, एक्स। चौड़ाई एक्स मान ली, ये लो चौड़ाई एक्स मान ली, तो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा, ये तो क्या हो गई हमारी लंबाई, और चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, एक्स लिख दिया। और परिमाप कितना दे रखा है यहाँ पे, 154 मीटर। ये बन गई अपनी समीकरण। अब इसके बाद देखो, ये 2 गुणा में है, उसको हम निकाल के उधर भी भेज सकते हैं। पहले ऐसे कर लेते हैं, 2x और ये 1x बराबर हो गया 3x। यहीं पे लिख देता हूँ नीचे में, 2 गुणा 3x + 2 = 154 लिख दिया। इसके बाद देखो, ये जो 2 गुणा में चल रहा है उसको उधर भेजो पहले, तो ये जो यानी 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, और इसमें भाग दिया कितनी बार, 7 बार, और 7 बार 77 आ गया, 77 आ गया। तो ये हो गया 3x + 2 = 77। अब ये 2 को इधर भेजेंगे, वही आ गई एक चर वाला रैखिक समीकरण, 3x = 77 - 2 = ये आ गया 75। अब देखो क्या समीकरण आ गया, 3x = 75। कल की बात याद होगी तो हमने 2.1 में किया था, ऐसे समीकरण हल किए थे, गुणा में होते तो क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, x = 75/3, ये आ गया मान 25। ये 25 मान किसका आ गया, x का मान आ गया। तो x क्या है अपने पास, चौड़ाई, ये चौड़ाई है x, तो x का मान आ गया अपने पास 25। और लंबाई कितनी है, दुगने से भी 2 ज़्यादा, यहाँ पे देख लो, दुगने से भी 2 ज़्यादा, यानी 25 को गुणा करते हैं 2 से, और उसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगी अपने पास, लंबाई आ जाएगी किसकी, जो आयताकार तरल ताल है उसकी, 25 दूनी 50 और 2 52। ये देखो अपना आंसर आ गया, लंबाई तो क्या आ गई इसकी 52, और चौड़ाई आ गई 25। ये अपना प्रश्न नंबर 2 पूरा। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, वो करते हैं। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये आंसर हम लोग कर रहे हैं 3 का, आप लोग उतारे तो आंसर 3 उतार लेना। समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसकी ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो आधार मतलब नीचे वाला होता है, इसको लिख दिया मैं 4/3 सेंटीमीटर। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको भी एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों भुजा क्या है, बराबर। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसका परिमाप क्या है, 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। देखो, उसका परिमाप मतलब इसको इसको इसको, यानी चारों तरफ की दूरी नापेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 4 से 2/15। देखो परिमाप में किसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, फिर दूसरे वाले एक्स को जोड़ दिया, फिर इसके बाद में 4/3 को जोड़ दिया। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप हमें कितना दे रखा है, 4 से 2/15। अब देखो, ये मिश्र भिन्न है, उसको पहले तो साधारण भिन्न में बदलते हैं। कैसे, 15 को 4 से गुणा 15 = 45, 15 = 60, और 60 और 2 = 62, तो ये आएगा 62/15 आ गया। अब उसके बाद देखो, x और x को जोड़ते हैं तो 2x + 4/3 = 62/15। अब देखो, ये चर वाला है, ये अचर वाला है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस को हो जाएगा, तो इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 2x = 62/15 - 4/3, ये इधर गया तो माइनस को हो गया। अब देखो, इसमें वही आ गई जो भिन्नों के जोड़ बाकी सीखे थे हमने, नीचे एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 15 15 15 का भाग दिया 1 बार, तो यहाँ पे बच गया क्या, 62, माइनस का चिन्ह, 3 का भाग 15 हो गया 5 बार, और 5 को 4 से गुणा किया 20। देखो कितना आता है यहाँ पे, अपना इधर वाला 2x है ना, ये वाला, ये तो ऐसे जैसे 62 में से 20 गया, तो मेरे पास बचे कितने, 42, और ये हैं 15। अब देखो, ये x है ना, 2 दोनों तरफ 2 का भाग दे देते हैं, या फिर इसको नीचे भेज दो। कैसे, हम लोगों ने पहले हल करते थे जैसे वज्र गुणा करके इसको इसके इसके इससे, तो ऐसे ही मैं 2 को इधर भेज रहा हूँ, x = 42/15 × 2, ये हो जाएगा 42/30 आ गया। 42/30 के बाद में मैं आपको बता दूँ, जो इसकी भुजा कितनी आएगी, 1 बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 30 एकम
30, और ऊपर कितना आएगा 12, शेष बल है 30। अब ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 3 से भी कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 दाए 30, फिर भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो इसकी कितनी आ गई 1/2/5। हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, यानी जो एक्स का मान कितना आया हमारे पास 1/2/5, तो 2 बराबर, ये क्या है 2 बराबर भुजाओं की माप क्या हो जाएगी 1/2/5 सेंटीमीटर। चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, 2 संख्याओं का योग 95 है, यानी कोई भी 2 संख्या है उनका योग क्या है 95, में संख्या पता नहीं है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो हम लोग करते हैं आंसर नंबर 4, चौथा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया, 4 प्रश्नों को बार बार लिखता हूँ तो क्या क्लास भी डिस्टर्ब होती है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, आप लोग परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो, 2 संख्या का योग कितना है 95, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो देख ली, माना दूसरी संख्या, सबसे पहले क्या मानते हैं, माना दूसरी संख्या x, x तो मानना ही पड़ेगा, तो माना क्या दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या होगी, देखो वहां पे क्या दे रखा है, एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है 15, x+15। अब यहाँ पे देखो, 2 संख्याओं का योग कितना है 95, तो हम लोग पहली संख्या तो क्या मान लिया x, दूसरी हो गई x+95 वो 15, तो इनका योग कितना है 95, तो योग जोड़ते हैं x+x+15=95, x और x को जोड़ा तो 2x बराबर, ये 15 को मैं इधर भेज दूँ, 15 को इधर भेजूँ तो माइनस का हो गया, ये हम 2.1 में पहले सीख चुके हैं, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो 2x बराबर ये आएगा 95, में से 15 गए तो अपने पास क्या बचे, 5 में 5 गया तो 0, 9 में 1 गया तो 80, तो x बराबर क्या आएगा 40, कैसे 2 का इधर चला जाता है भाग जब गुणा में रहता है, तो x मान क्या आ गया 40, यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई 40, तो पहली संख्या कितनी आएगी, ये तो आ गई कौन सी दूसरी। अब देखो पहली संख्या हमने मानी थी x में 15 जोड़ देंगे, यानी x कितना है अपने पास 40, में क्या जोड़ेंगे 15, तो ये आएगी पहली संख्या 55, दोनों संख्या आ गई, पहली संख्या 40 और दूसरी 55, तो अपना प्रश्न नंबर 4 हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 5, 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनमें अंतर क्या है 18, तो संख्या क्या करनी है ज्ञात करनी है, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनमें अंतर दे रखा है कितना 18, तो देखते हैं ये अनुपात है 5:3, तो सबसे पहले क्या मानते हैं, माना अनुपात का गुणज, यानी अनुपात गुणज लिख दो, अनुपात का गुणज क्या है x है, तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई 5x और 3x, पर एक संख्या तो 5x हो गई और दूसरी क्या होगी 3x। देखो अब इसमें अंतर कितना आ रहा है 18 का, इन दोनों का अंतर कितना है 18 का, 5x-3x = कितना आएगा 18, 5x में से 3x गया तो 2x बचा, 2x = कितना 18, तो x = कितना आएगा 18/2 = 9, यानी x का मान कितना आ गया 9, देखो x का मान 9 आ गया, तो ये जो दे रखा है ना हमने संख्या ज्ञात के अनुपात गुणा करके, तो x की जगह ये 9 रख दो, पहली संख्या 5x है तो इसको गुणा करो 5×9, तो पहली संख्या तो क्या आ गई 45, दूसरी संख्या 3x है, 3x = 3×9=9×18 9×9=27, ये संख्या हो गई 45 और 27, तो अपना प्रश्न नंबर 5 भी पूरा। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करने, अब देखो 3 लगातार पूर्णांक देखो, माना पहला पूर्णांक ज्ञात करते हैं, पूर्णांक एक्स है, ये मानने की तो गणित के अंदर ये मानने की तो बात है ना, तो रटी लो, मानना तो पड़ेगा, बिना माने कुछ भी काम नहीं होता गणित में, तो पहला पूर्णांक मान लिया एक्स, तो दूसरा क्या मानेंगे लगातार है ना, दूसरा मानेंगे x+1, तो तीसरा मानेंगे x+2, ये आ गए, ये 3 लगातार पूर्णांक आ गए,
इनका योग कितना दे रहा है, 51। चलो इनको जोड़ देते हैं, इनका योग क्या है 51, एक्स प्लस वन, फिर तीसरा है एक्स प्लस दो बराबर 51। अब देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 तो क्या हो गए एक्स, एक तो ये रहा, दो ये रहा, ये भी 3 हो गया, और इधर कितना है 51। यहाँ पे आपको बता दूँ मैं, ये चर चर है ना, चर वाली संख्या, इंग्लिश वाली कल बताया चर किसे कहते हैं, चर वाली संख्या को तो अलग करना है और अचर वाली को अलग करना है और जोड़ना है, तो मैंने जोड़ दिया। अब देखो 3x तो ऐसे कैसे, जब मैं 3 को इधर लेके जाता हूँ तो 51 में से 3 गया, माइनस का हो जाता है उधर, अपने को पता है उधर जाते माइनस का हो जाता है, तो 3x बराबर 48। अब देखो x का मान 48 में भाग जाए किसका, 3 का, बराबर कितना आएगा 16। ये किसका मान आ गया, x का, x का मान आ गया, तो पहला पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हो गया, x बराबर 16। दूसरा पूर्णांक कितना है, x प्लस 1, तो दूसरा हो गया 17। तीसरा पूर्णांक कितना है, x प्लस 2, तो ये हो गया 18। तो 3 लगातार पूर्णांक हो गए, वो कितना था 51, इनको जोड़ लो कितने आएंगे 51। तो अपना प्रश्न नंबर 6 पूरा। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर अपना 7, जो कि ऊपर दे रखा है, तो आंसर ले दें 7। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग क्या है, 8 8 8, तो गुणज ज्ञात ज्ञात करने हैं। देखो माना, वही मानने वाली बात, माना पहला गुणज, यानी 8 का पहला गुणज ज्ञात करना, तो क्या हो गया 8x, 8 का गुणज होना चाहिए ना, तो ये अक्षर मान लिया 8 और x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हो गया 8x प्लस 8। इसी प्रकार तीसरा क्या हो गया, तीसरा तीसरा हो गया 8x प्लस 8 प्लस 8। इसको मैं देखो कैसे लिखता हूँ, 8x तो ऐसे कैसे आई, और 8 और 8 को जोड़े तो 16। ये वाला पहला, दूसरा और ये तीसरा, इसका योग कितना है 8 8 8, यानी 888। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 बराबर 888। अब देखो 888, 8 8 8, 8 8 16, 8 3 24, एक्स तो ये हो गया, प्लस 8 ये 16 ये 24 ये बराबर 888। अब देखो 24 एक्स को मैं करता हूँ उधर ऐसे कैसे, 24 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो 888 माइनस 24 बराबर, इसमें बचा कितना, 4 6 और 8, यानी 864। अब देखो ये आ गया 24x बराबर 864, तो मैं x का मान निकालता हूँ, तो 24 को किसके नीचे भेजूँगा, 864 के नीचे, 864 बटे 24। अब इसमें भाग दो कितनी बार जाता है, 24 1 24 24 2 48 34 72, 3 बार गया। देखो शेषफल कितना बचा, 24 का फाड़ा इसमें 3 बार गया, तो शेषफल कितना बचता है, 72 के बाद में 14 शेषफल बच गया, 14 शेषफल बच गया, ये हो गया 144। अब 144 में 24 का भाग कितनी बार जाता है, 144 में 24 का फाड़ा 6 बार, 24 की 144, एक्स का मान कितना आ गया 36। तो हमें संख्या याद करनी है ना, ये तो x का मान आया। अब देखो ये जो पहला गुणज है ना, पहला क्या है 8x, तो मैं देखो 8 को गुणा करता हूँ किससे, 36 से, ये तो आ गई पहली संख्या, और 8x प्लस 8 है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 8 गुणा 36 प्लस 8, ये दूसरी संख्या, तो यहाँ पे और कितना है 8x प्लस 16, तो 8 गुणा 36 प्लस 16, यानी ये संख्या है ना, उसमें मान रखना है, इसकी जगह 36, इसकी जगह 36 और इसकी जगह 36, में देखो 8x 36, फिर 8 36 प्लस 8, तो 8 गुणा 36 प्लस 16, तो इसको गुणा करेंगे, देखो 8 6 48, ये 8 और 8 3 24 24 और 4 28, ये आ गई 288 आ गई। 288 में 8 जोड़ दो, 288 में 8 जोड़ेंगे तो 296, और 296 में 8 जोड़ेंगे तो 304। इनको संख्या को हम लोग जोड़ेंगे
तो कितने आएंगे हमारे पास, ये आएंगे 888। तो ये अपने पास तीन संख्या कौन कौन सी आ गई, एक दो और तीन संख्या। ये अपने प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7 कंप्लीट। अपने जो प्रश्न नंबर 8 है जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, आप लोग किताब में मिला लेना। प्रश्न क्या दिया हुआ है, तीन लगातार पूर्णांक लेने हैं। तो तीन लगातार पूर्णांक है उसको किस किस से गुणा करने हैं, 2 से 3 से 4 से गुणा करने हैं और ये क्या आएगा 74। तो मैं इसका आंसर कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन किताब में देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर कर रहा हूँ। माना माना तीन लगातार पूर्णांक, माना तीन लगातार पूर्णांक कौन कौन से मान लेता हूँ मैं, पहला x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया और तीसरा x प्लस 2 मान लिया। इसको क्रम से किससे गुणा करना है, 2, 3, 4 से, तो योग क्या आएगा इसका 74। तो पहले वाले को किससे गुणा किया, 2 से प्लस, दूसरे वाले को गुणा किया है 3 से प्लस और तीसरे वाले को गुणा किया है 4 से, x प्लस 2 बराबर 74। देखो अब मैं गुणा करता हूँ, 2x तो ऐसे कैसे ही प्लस ये हो गया 3x प्लस 3, इसको अंदर ले गया 3x प्लस 3। इसके बाद देखो ये 4x प्लस 8 बराबर 74। सबसे पहले चर वाली संख्या ले लो, 1, 2, 3, ये चर वाली संख्या, 2 और 3 कितनी हुई 5 और 5 और 4 9, 9x। यहाँ पर देखो चर वाली संख्या 1 और 2, 8 और 3 कितनी हुई 11 बराबर क्या हो गया 74। अब इसके बाद 9x तो ऐसे कैसे, मैं पहले बताया हूँ इसमें 2.1 में कि 74 इधर वाली संख्या इधर जाएगी तो किसी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। 74 में से 11 गया तो ये कितना बचा यहाँ पे, ये 3 और इसमें बचा 6, ये 63। देखो 9x बराबर 63, तो x बराबर कितना आएगा 7। कैसे इस वाली का इसमें देते हैं भाग, तो x बराबर इसका मान आ गया अपने पास 7। देखो तो तीन लगातार पूर्णांक याद करने में, तो x का मान कितना है हमारे पास 7। पहले तो x का मान आ गया 7, दूसरा आएगा 7 प्लस 1 और तीसरा आएगा 7 प्लस 2। तो अपने पास कौन कौन से पूर्णांक हो गए, 7, 8 और 9, ये तीनों के आगे पूर्णांक। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 9 शुरू करते हैं। देखो जो हमारा प्रश्न नंबर 9 था वो क्या दे रखा है, राहुल और अरुण की आयु का अनुपात दे रखा है 5:7 और दे रखा है कि 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात, यानी 4 वर्ष बाद जो इनकी आयु है दोनों की मिला के कितनी हो गई, योग उसका 56 हो गया। तो अपने को ज्ञात करना है जो राहुल और अरुण की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए मानता हूँ, माना अनुपात ये आंसर है इसका, आप उतार सकते हो एक्स है। तो देखो इसका अनुपात एक्स की गुणा करते हैं, अभी हमने किया था एक की 5x हो गई आयु और एक की 7x हो गई, तो एक की 5x और एक की 7x, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना आ रहा है 56 आ रहा है। तो देखो ये तो क्या है वर्तमान आयु फिलहाल की है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 5x प्लस 4, ये तो हो गई किसकी आयु, राहुल की। इसमें किसका जोड़ना है, अरुण की आयु, कितनी आयु है 7x प्लस 4, 4 साल बाद की इसकी भी लगा लो, तो इनका योग कितना हो गया 56। अब देखो 5 और 7, ये 5 है ये 7 कितनी हो गई यहाँ पे 12x, ये 4 और 4 कितनी हो गए 8 और ये बराबर 56। अब देखो 12x बराबर 56 माइनस x, जब ये 8 इधर गया तो किसका हो गया माइनस का, तो 12x बराबर 56 में से जब 8 गया तो 48, तो x का मान क्या आ गया, तो ये 12 36 1248, 12 का भाग दे देते हम लोग, तो x बराबर कितना आ गया 4। ये तो x बराबर 4 आया, तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु क्या कहती है 5x और 7x, इसमें मान रख दो, वर्तमान आयु 5x और 7x से एक तो गुणा कर दो 5, 4 से, तो ये हो गया 20 वर्ष। 20 वर्ष किसकी आयु आ गई है, राहुल की, और जो हारून था, हारून उसका देखो कितनी था 7x, तो 7 गुणा x का मान 4, 7 28 वर्ष, ये अपना आंसर आ गया। हमारा जो 10वां सवाल है वो देखो, एक ही कक्षा में बालक और बालिकाओं का अनुपात क्या दे रखा है, हमें 7:5 दे रखा है, और क्या दे रखा है कि बालक की संख्या बालिकाओं से 8 ज़्यादा है, यानी इनका अंतर कितना हो गया 8 का, और कुल विद्यार्थी हमें क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले वही मान क्या मानते हैं हम लोग, एक्स, किसको अनुपात को किसका मान गुणित मानते हैं, एक्स का,
तो एक्स अनुपात, यानी ये तो क्या हो गई बालकों की संख्या, और 5x हो गई बालिकाओं की संख्या। एक्स का गुणज मान लेते फिर क्या करते हैं, जो 8 वाला क्या है ज़्यादा है किनसे, बालिकाओं से, यानी इनका अंतर कितना हो गया 8 का। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स माइनस 5x बराबर कितना 8 का अंतर, इन दोनों के बीच किसका अंतर है 8 का, 7x में से 5x गया तो 2x बराबर कितने 8, तो एक्स बराबर कितने आएंगे 8/2 बराबर 4, तो एक्स का मान कितना आ गया अपने पास 4। अब देखो एक्स का मान 4 आ गया, तो यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखना है, तो बालक देखो बालक कितने अपने पास 7x है ना, तो 7 तो ऐसे ही एक्स की जगह 4 रख दिया, ये हो गया बालक 28। इसी प्रकार बालिकाएं कितनी है अपने पास 5x, 5x बराबर 5 गुणा एक्स का मान कितना है अपने पास 4, देखो 520। अब देखो इनका बीच में अंतर कितना का आ रहा है 8 का, यानी अपना सवाल किया है सही है। तो कुल विद्यार्थी पूछ रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, इनको जोड़ दो, 28 + 20 बराबर ये हो गया 48। तो हम कह सकते हैं कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है 48। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 पूरा। चलो अपना प्रश्न नंबर क्या रहा है, भाई चुंगे एक नाम है, उसके पिताजी और उसके दादाजी से क्या है 26 वर्ष छोटे हैं, यानी सबसे बड़े तो दादाजी होते हैं, उससे छोटे पिताजी और उनसे छोटे क्या है भाई चुंग। अब देखो इसमें जो उनकी आयु टोटल दे रखा है 135, और हम इनकी आयु क्या करेंगे याद करनी है, अलग अलग याद करनी। सबसे पहले ये भाई चुंग है, इसकी आयु क्या माना उसकी आयु क्या मान लेते हैं एक्स। अब उसकी जो पिताजी है उसकी आयु क्या होगी, उसके दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं ये 26 वर्ष, और उससे कितने वर्ष बड़े हैं 29, तो ये 29 हो गया। अब देखो अब दादाजी पे आ जाओ, दादाजी कितने हैं एक्स प्लस 29 तो है ही है प्लस 26, भाई जी की आयु होगी एक्स, उसके पिताजी की होगी एक्स प्लस 29, और उसके दादाजी 29 और 26, यानी सबसे बड़े तो दादाजी होगी। इन तीनों की आयु कितनी दे रखी है 135, तो जोड़ दो इनको, एक्स प्लस 29 फिर एक्स प्लस 29 प्लस 26 बराबर कितने हो गए 135। अब देखो एक्स 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 इन तीनों को जोड़ा तो ये 3x, इसके बाद 29 29 दूनी 58, और 58 और 26 देखो कितने होते हैं 68 और 78, ये तो हो गया कितने 78 और 6 84 प्लस 84 बराबर 135। फिर से जोड़ लेते हैं इनके, 29 दूना क्या होते हैं 58 58 में 26 जोड़े तो 84 हो गए। अब देखो 135 तो 3x बराबर 135 में से कितने घटाएंगे 84, इधर जाएंगे माइनस को जाएंगे ना, तो 5 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पे 13 में से 8 गए तो 5, ये बच गया 51। तो एक्स का मान कितना आएगा 51/3 बराबर 17। अब देखो एक्स का मान आ गया, यानी जो बाइजिंग है उसकी आयु एक्स का मान कितने आ गया, यहाँ एक्स का मान कितना आ गया 17, यानी भाई जिनकी आयु कितनी आ गई 17, और उसके पिताजी की आयु कितनी आ गई 17 + 29, तो 17 में 29 जोड़ो, 7 और 9 कितने होते हैं 16, और असल की 1 3 और 1 4, इन 3 और 1 4, ये इसके पिताजी की आयु हो गई 46 वर्ष। अब देखो जो 46 वर्ष है उसमें कितना और जोड़ना है 26 और जोड़ना, तो 46 में 46 + 26 इसका मान हो गया 12, और ये हो गया 7 72 वर्ष, उसके दादाजी की आयु हो गई 72 वर्ष। अब देखो इनको जोड़ के देख लो, यदि 135 आ रहा तो अपना आंसर सही है, देखते हैं 7 और 6 13 और 2 15, ये 5 आ रहा है हासिल की 1, 7 और 4 11 और 1 12 और 1 13 हासिल वाली, तो ये 135 आ रहा है इसका इसका इसका, तो तीनों की आयु अलग अलग आ गई। ठीक है प्रश्न नंबर 12 पे देखो, किताब तो होगी आपके पास, तो उसको अपना प्रश्न नंबर 12 है वो क्या दे रखा है, जो रवि की आयु है जो 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी, यानी तो मानते हैं इसका आंसर लिखते हैं, माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है एक्स। देखो 15 वर्ष बाद जो रवि की वर्तमान आयु है
उसकी 4 गुनी हो जाएगी उसकी आयु, हो जाएगी। तो देखते हैं कितने वर्ष बाद वर्तमान आयु एक्स है, तो देखो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस पंद्रह किसकी 4 गुनी है, उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स प्लस पंद्रह, तो अपना ब्रैकेट खोल दो और 4x ऐसे कैसे। अब इस एक्स को यानी चर को अलग करते हैं, चर को अलग करते हैं, इस एक्स को मैं इधर लेके जाता हूँ, 15 ऐसे कैसे छोड़ दिया, 4x माइनस एक्स। अब देखो 15 बराबर 3x, एक्स का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, 15 में भाग देंगे इसका 3 का, एक्स बराबर आ गया कितना, 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 5, और 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 में 15 जोड़े तो 20, यानी 4 गुना हो जाएगी, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई, 5। बस यही निकालना था। तो देखो हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है वो क्या है, कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जानते हैं आप लोग, जो बट्टे में संख्या लिखते हैं पी अपॉन क्यू में, जो प्रश्नावली 1 पढ़ाई थी उसमें बताया था आपको, परिमेय संख्या उसको 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ते हैं तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, -7/12। तो देखो क्या मानेंगे, सबसे पहले माना परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या क्या है, x मान लिया। उसके बाद देखो इसको किससे गुणा करना है, 5x/2, तो 5 5 5/2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 5x/2, ये हो गई परिमेय संख्या। और इसमें क्या जोड़ते हैं, 2/3, यही बोल रहे थे परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर परिणाम क्या मिलेगा हमें, यानी तो बराबर क्या आएगा, 7/12। तो परिमेय संख्या निकाल ली हमें, तो 5x/2 तो ऐसे कैसे रहने था, ये जो है इसको इधर ले जाओ, -7/12 तो है ही, और ये माइनस का हो गया 2/3। अब देखो जो भिन्न वाली संख्या है उसको कैसे हल करते हैं, तो ये आपको बताया था ना मैंने कि सबसे पहले देखो नीचे 12 आ गया, 12 में 12 का भाग दिया 1 बार, 1 को गुणा किया -7 से तो गुणा 1, माइनस 3 का भाग दिया 12 में 4 बार गया, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 4 दूनी 8, इनका मान कितना आता है देखो, -7 और -8/12, तो ये आ गया -15/12। 5x/2 = -15/12। अब इधर देखो ये 2 है ये 12, इनको काट दूँ मैं, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12, नीचे तो बट्टे में 6 बच गया, इसको काट दूँ, 5 एकम 5 5 3 15, ऐसे काटने से सीख जाओगे तो आप लोग जल्दी हल कर दोगे। तो इधर तो क्या बच रहा है, केवल x बच रहा है इधर तो, क्योंकि x में एक और भाग देंगे, x ही बचेगा, और इधर देखो माइनस तो है ही अपना 3/6, अब ये फिर से कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आएगा अपने पास, -1/2, वो परिमेय संख्या अपने पास क्या आएगी, -1/2। अब ये अपना प्रश्न नंबर चौदह क्या दे रखा है, लक्ष्मी है, उसके पास किसके कितने नोट है, 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है, और इन नोटों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5, और इनका कुल योग क्या दे रखा है। अब देखो लक्ष्मी के पास 100 के और 50 के 10 रुपये के तीन नोट है, यानी मतलब 3 प्रकार के नोट है, और उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:5, और उसके पास कुल रुपए है 4,00,000 रुपये। तो अपने को बताने कि 100 रुपये के कितने नोट है, 50 के कितने हैं और 10 रुपये के कितने नोट। तो मैं मानता हूँ पहले की तरह वही माना अनुपात एक्स का गुणज मान लो या एक्स है। अब देखो 100 रुपये के नोटों की संख्या वो कितनी दे रखी है यहाँ पे अनुपात में, 2 दे रखी है, उसको एक्स से गुणा किया तो 2x हो गया, और 1 रुपये = 1 होता है तो 100 = 100 हो गए, तो ये हो गया 100। तो मानते 100 रुपये के नोटों की मतलब जो कुल कीमत कितनी हो गई, 200x, ये हो गई 100 रुपये के नोटों की कीमत। उसी प्रकार जो 50 रुपये की नोटों की कीमत है उसका अनुपात है 3, तो ये हो गया 3x, और इसको गुणा करेंगे इससे 50, तो 50 रुपये के जितने भी नोट है उसकी कुल कीमत हो गई यहाँ पे 150x। अब है 10 रुपये वाला का अनुपात है 5, तो ये 5x गुणा गुणा 10 किया, ये हो गया 50x, ये कुल कीमत हो गई। जो 100 रुपये वाला नोट है उसकी कीमत हो गई 200x, और 50 वाले की 150x, और 10 वाले की हो गई 50x। हमारे पास कुल मूल्य कितना दे रखा है, 4,00,000। ये 4,00,000 किनके बराबर है, इन तीनों के जोड़ के बराबर। देखो इन तीनों को जोड़ देते हैं, 200x + 150x + 50x = 4,00,000।
जोड़ दिया। इसके बाद देखो 200 में 150 जोड़ा तो 350 और उसमें 50 जोड़ा तो 400, 400x बराबर 4 लाख। अब इधर देखो जब x का मान निकालते हैं तो इसके नीचे किसका भाग देंगे, 400 इधर इसके नीचे चला जाएगा, 400 का फाड़ा एक बार बोला 400 एकम 400 बराबर कितना आया 1000। तो ये 1000 किसका मान आ गया हमारे पास, x का मान आ गया 1000। ये x का मान है ना वो यहाँ पे रखना है तभी नोटों की संख्या हमें मिलेगी। कहाँ पे रखना है, ये जो 2x है 3x है और 5x है। अब देखो ये नोट कितने हैं, 100 रुपये वाले नोट कितने हैं हमारे पास, जो 100 रुपये वाले नोट है 2x, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 2 गुणा 1000। ये इनके नोटों की संख्या होगी कुल 2000। और जो 50 रुपये वाले नोट है जो 3x है तो 3 गुणा 1000 ये हो गए 3000। और जो 10 रुपये वाले नोट है उनका अनुपात 5 था तो 5x माना था हमने, तो 5x को यानी 5 को गुणा करेंगे किससे, 1000 से, ये हो गई 5000। अब देखो इन नोटों की संख्या आ गई कितनी, 100 रुपये वाले की, 50 रुपये की और 10 रुपये वाले की, नोटों की संख्या अपना आंसर हो गया 1 2 3, ये नोटों की संख्या आ गई। हमारा जो प्रश्न नंबर 15 वो क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये वाले सिक्कों की एक पोटली है, उसका कुल मूल्य कितना 300, यानी उसमें टोटल है 300 रुपये और टोटल सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है 160। अब देखो पहले जो सिक्कों की संख्या की पहले वो निकालते हैं कि माना आंसर करते हैं हम लोग, माना 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ये थोड़ा बड़ा है तो मैं छोटा लिख रहा हूँ, संख्या क्या है एक्स, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को मान कर लिया एक्स। इसी प्रकार 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का मैं मान लेता हूँ वाई। देखो 1 वाले 5 की मान लिया, अब 2 वाले देखो, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो 5 रुपये वाले की माना है उससे कितनी है 3 गुनी, यानी 3y। अब देखो इनका समीकरण बन जाएगा कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, x प्लस वाई प्लस 3y बराबर टोटल कितनी थी 160। यहाँ पे देखो x प्लस चार वाई बराबर 160, इसको दे देता हूँ मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1। ये तो हो गई सिक्कों की संख्या। अब सिक्कों का मूल्य है ना उसके देखते हैं, सबसे पहले 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या मानी x, यानी 1x, तो x को x के गुणा करते हैं तो वो ही आएगा। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी मानी है यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा 2y। इसके बाद 5 रुपये वाले, अच्छा ये तो क्या है ना, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है, ये 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या आपने y मानी है, तो 5 को किससे गुणा करेंगे y से, ये 5y प्लस, ये 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 2 रुपये वाले की, तो ये हो जाएगा कितने, 2 को गुणा करते हैं इससे 3y से, ये हो जाएगा 6y बराबर टोटल मूल्य कितना दे रहे हैं इनका 300। इसको जोड़ते हैं x प्लस 11y बराबर 300, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अपने पास समीकरण आ गए x प्लस 4y बराबर 160 और x प्लस 11y बराबर 300। तो इनको हल करते हैं कैसे, ये समीकरण में x है ना सेम संख्या है, तो इनको क्या करेंगे, ये समीकरण में घटाएंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 माइनस 1, ये समीकरण 2 में से 1 घटाते हैं। समीकरण 2 को लिखो पहले, x प्लस 11y बराबर 300 और समीकरण 1 लिखता हूँ मैं, x प्लस 4y बराबर 160। देखो इसको माइनस घटाएंगे तो सब माइनस हो जाएगी नीचे वाली संख्या, तो x से x कट गया, इसमें देखो 11 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 7y बराबर 300 में से 160 गया तो 140, तो x y का मान कितना आएगा 20, ये आ गया y का मान तो 20 आ गया, तो x का मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये देखो समीकरण एक में y का मान रखेंगे कितना 20, तो x तो ऐसे कैसे प्लस y का मान 20 रखते हैं तो 4 गुना 20 हो जाएगा, तो 4 गुना 20 यानी 20 क्या होता है 80 और बराबर क्या है 160, तो x बराबर कितना आएगा 160 माइनस 80 बराबर 80,
यानी एक्स का मान क्या आ गया 80 और वाई का मान क्या आ गया 20। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। एक रुपए वाले सिक्कों को क्या माना था हमने, एक्स माना था। तो एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या यानी एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, एक्स। तो एक्स का मान कितना है अपने पास 80। अब दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या, दो रुपए वाले सिक्कों कितना माना है 3y, 3y। तो 3y का मान कितना अपने पास, दो रुपए वाले वाई का मान 20 है ना, तो वाई का मान 20। तो 20 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, पीतिया 60। अब देखो जो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो कितनी है वाई, तो वाई का मान कितना है 20। तो ये आ गए अपने पास सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी थी 160। इनको जोड़ के देख लो, 8 और 6 14 और 2 16, इनका भी कितना आएगा 160। यानी अपना आंसर क्या है राइट। तो हमारा प्रश्न 15 कंप्लीट। अपना आज का जो 16 सवाल है वो देखो, अपने पास एक 16 सवाल में क्या है, एक प्रतियोगिता थी, उसके अंदर जो विजेता है उसको 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, और विजेताओं के अलावा छोड़कर जितने भी प्रतिभागी जिन्होंने हिस्सा लिया था उन सभी को 25-25 रुपये बांटे गए। तो बांटी गई टोटल राशि है 3000 रुपये, यानी टोटल 3000 रुपये बांटे गए। और 63 प्रतियोग यानी टोटल कितने प्रतिभागी थे हमारे पास 63, और उनमें से कितने याद करने विजेताओं की संख्या निकालनी है कि विजेताओं की संख्या कितनी है। सबसे पहले विजेताओं की संख्या कितनी है यहाँ पे, मतलब विजेताओं को कितने रुपए का पुरस्कार दे रहा है 100 रुपये, विजेताओं को 100 रुपये का पुरस्कार दे रहा है। अब देखो माना विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या मान ली कितनी एक्स, और प्रतिभागी है ना, मतलब प्रतिभागी टोटल है, प्रतिभागी विजेताओं को छोड़कर, विजेताओं को छोड़कर जी मतलब 63 प्रतिभागी थे टोटल, तो विजेताओं को छोड़कर कितने बचे 63 माइनस एक्स, ये हो गए प्रतिभागी। यानी विजेताओं की संख्या तो एक्स है और ये हो गई प्रतिभागी। तो विजेताओं को कितने रुपए बांटे थे 100 रुपये, 100 रुपये हो गए विजेताओं के, तो एक्स प्लस 63 माइनस एक्स ये हैं प्रतिभागी। तो इनको कितने रुपए बांटे 25-25 रुपये, और इनका टोटल मूल्य हो गया 3000 रुपये। ये आ गया अपना समीकरण। अब देखो ये तो हो गया 100x, अब इसको इधर गुणा करेंगे प्लस 63 गुणा 25 माइनस 25x बराबर 3000। अब देखो ये 25 माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पे बच गए 75x, ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब 25 को 63 से गुणा करते हैं, 25 75 और 7 हासिल के 25 150, तो 157 बराबर 3000। देखो यहाँ पे 75x बराबर 3000 में से ये घटेगा 1575 रुपये, 1575 ये हो गया, 1425 बचेगा अपने पास। 7x बराबर 1400, यहाँ पे 75 था 75x, 75 1425 रुपये, यानी 75x में से 75x बराबर 1425। तो x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1425 है उसमें किसका भाग देंगे 75 का। देखो 75 का भाग देना, इतना लंबा भाग देंगे, इससे अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे 25 से काट लेते हैं, यदि कट रहा है तो 25 125 8, सबसे पहले 5 से काट ले, थोड़ा सरल हो जाएगा, 5 2 10, 5 8 40 और 55 25, और ये कट गया 5 से 25 बार, फिर 5 से काट दें इनको। अब देखो यहाँ से पहले 5 से काटा था हमने इसको, तो इसको 5 से काटा तो यहाँ पे आया 285 आ गया, इसको 5 से काटा तो यहाँ पे 25 के देखिए आएगा 15, क्योंकि 15 5 क्या होता है 75। अब देखो 285 में 15 का भाग देते हैं कितने बार जाएगा 19 बार, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, x का मान आ गया यहाँ पे 19। तो क्या मान पूछ रहा था, विजेताओं की संख्या कितनी x है, तो x का मान क्या आ गया 19, और हमें यही पूछ रहा था कि जो 63 है उसमें से विजेताओं की संख्या कितनी। तो ये हमारी आज की प्रश्नावली 2.2 जो काफ़ी लंबी है, तो ये 16 प्रश्न हमारे हो गए पूरे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।